हम सबको डू नॉट फॉरगेट सुशांत डेथ एक्चुअली मर्डर। और ये सब जानते हैं जो भी सुशांत को मिले होंगे, जिन्होंने भी उनकी मूवी देखी होंगी या उनको फॉलो करते होंगे, ट्विटर पे भी फॉलो करते होंगे। आप देखिए, ही वाज सच अ ब्रिलियंट मैन, ही यूज्ड टू टॉक अबाउट यू नो एस्ट्रोलॉजी एंड यू नो ही हैड अ बाइनोकुलर टू सी और व्हाटएवर यू कॉल इट, दूरबीन उनके पास थी इतनी बढ़िया। जो आदमी इतने शौक वाला इंसान जो, और वाइब्रेंट रहने के लिए ही हैड अ लव फॉर द डॉग, ऐसा आदमी कभी आत्महत्या नहीं कर सकता। और वो इतना सब को अचीव करने के बाद, अगर करना होता तो उनको कोई, अगर पता लगा उनको यू नो गलत उनका इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर उनको कोई मूवी नहीं मिली है, उनकी ज़िंदगी ख़राब हो गई, तो अलग बात है। इट्स सच अ सुपर हीरो, यू नो ही वॉज सो गुड एंड उन्होंने ऐसा किया। बाद में आराम से महेश भट्टी जी ने बड़े आराम से कह दिया कि हाँ, और उन्होंने वो कहते हैं कि हमने, मैंने तो पहले ही बोला था कि उनको पहले लगता था कि ये सुसाइड करेगा। ऐसे कैसे आपको लगता था जी? और इतनी जल्दी क्या थी? हाँ, इतनी जल्दी क्या थी कि एकदम से, वो सुबह उन्होंने जूस पिया है, कुत्ते के साथ सुबह घूमे हैं, ऐसे कोई कर सकता है क्या? ये डेफिनेटली मैम जरूर कुछ था जो हम सबसे, सबकी आंखों से परे है और जिसके बारे में जो है इंक्वायरी, सीबीआई इंक्वायरी ज़रूर और ज़रूर होनी चाहिए। यू नो, अगर आप मूवी इंडस्ट्रीज में नहीं भी हैं, आप बॉलीवुड में इंडस्ट्री से कोई टाई अप नहीं भी आपका, आप अपनी आवाज़ उठाइए, आप ट्विटर पे डालिए, आप हर तरह के प्लेटफॉर्म पे आप कोशिश कीजिए कि उसको, उस चीज़ को आप सामने लाएँ। और जब तक आप, जब अब कंगना अगर लड़ रही हैं तो उनके साथ सपोर्ट के लिए भी तो कोई चाहिए ना। अगर वो बेचारी पीछे देखेंगी कि कोई नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है साथ में, तो आदमी हिम्मत हार जाता है। बल्कि लेकिन मैं उस लेडी को सलाम करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ, जिस तरह के गट्स हैं उन्होंने, उन्होंने सारी सिस्टम को हिला दिया और कभी गिव अप नहीं किया। आज हमारे साथ हैं नीलम शर्मा, जो एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी होने के साथ साथ बॉलीवुड से भी जुड़ी हुई हैं। और आज हम उनसे बात करेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई, उस पर जो जनता सीबीआई जांच की मांग कर रही है, साथ में जो बॉलीवुड में परिवारवाद है वो कहां तक जायज़ है, मैम के नज़रों में वो क्या एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे चैनल पर आप आए। मैम, आप जैसे कि आर्मी ऑफिसर की वाइफ भी हैं और साथ में आप बॉलीवुड, आपने वैसे बताया कि स्काई इज़ पिंक में आपका रोल था, एक वो मूवी बहुत विवादों में भी रही जायरा वसीम की वजह से, लेकिन आप उसमें ताई का रोल निभा रही थी, तो ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि अगर हम इस मुद्दे पर आपसे बात कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। मैम, बॉलीवुड में परिवारवाद कोई आज से नहीं है, बहुत पहले से है, और उसके खिलाफ कंगना रनावत हो गई और बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस ने आवाज़ उठाई, लेकिन अगर कहा जाए किसी ने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी तो वो है कंगना रनौत, जो अभी तक अपने दम पर अपनी मूवी को हिट करवाने में कामयाब हैं। तो सुशांत सिंह की मौत होती है और उसके बाद उसको एक तरीके से ये कहा जाता है आत्महत्या है, तमाम तरीके की स्टोरी उसके बाद सामने आती हैं, आप क्या देखती हैं उसमें? और लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, आखिर मामला दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है? देखिए, पहले मैं आपको, आपने जो एक पॉइंट बताया था कि परिवारवाद, मैं आपको उसके ऊपर मैं बात पहले करना चाहूँगी, उसके बाद मैं सुशांत जी की हत्या के ऊपर मैं बात करना चाहूँगी। वो ये है कि पहले देखिए, अगर आप परिवारवाद की बात करते हैं तो अमिताभ बच्चन के सुपुत्र हैं अभिषेक बच्चन, उनकी आप कोई भी पिक्चर देख लीजिए, ही इज़ अ एक्सीलेंट एक्टर, एक्सीलेंट एक्टर, उनको नहीं आने दिया गया ऊपर, क्योंकि अगर फादर बना रहे हैं तो ठीक है, लेकिन बाकी जो पूरा सिस्टम है, जो नेपोटिज्म के बारे में आप लोग आजकल सब देख ही रहे होंगे, उनको ऊपर आने नहीं दिया गया। और इतना अच्छा उनकी एक्टिंग है, उनका करेक्टर आप कहीं भी किसी भी मूवी में देख लीजिए, पीपल हैव एन्जॉयड हिम, एंड नॉट ओनली हिम, देर आर सो मेनी अदर पीपल यू नो हु आर वेरी गुड इन एक्टिंग, वेरी यू नो वेरी फोर्थकमिंग एक्टर्स, वेरी गुड एक्टर्स एक्चुअली, एंड दे आर यू नो इफ दे मैच टू दी यू नो डिमांड्स ऑफ दिस सो कॉल्ड गैंग, दे आर यू नो प्रोमोटेड एंड ओके गिवन। आई एम नॉट सेइंग दैट इट हैज हैपेंड, सी आई हैड अ वेरी स्मॉल रोल, दैट्स अ सेपरेट थिंग, एंड बिकॉज ऑफ माई चॉइसेज एंड माई यू नो इंटरेस्ट आई हैड डन इट, बट द पीपल हु हैव गॉन, यू हैव लेफ्ट एवरीथिंग, एंड दिस पर्टिकुलर बॉय हु यू नो वाज सो ब्रिलियंट इन हिज स्टडीज एंड ऑल दैट, ही हैज गॉन जस्ट आउट ऑफ हिज पैशन, ही वॉन्टेड टू डू इट एंड ही वॉज डैम गुड गुड इन हिज जॉब, he was very good, but just because you know he is not agreeing to something, what these people, they have a kind of gang which Kangana has very giroh kind of, you know, they Kangana ne itna acha kaam kiya hai na, in sab ki asliyat samne la diya, us lady ke andar guts hai, I really salute, usko kitna nahi badnaam kiya gaya, uski kitni nahi buraiyan sab jagah ki gayi, हर चीज़, मतलब अभी उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई के ऊपर जो पिक्चर बनाई थी उसको प्रमोट करने के लिए उनको कितनी तकलीफ़ हुई, जबकि वो शी इज़ सो वेल सेटल्ड एक्ट्रेस, उनको कितनी तकलीफ़ हुई। तो
तो ये सब ये जो भी अभी जा रहे हैं, आपको आपको कभी कहीं जाइए आप जो ऑडिशन में देखिए कितने हैंडसम लड़के हैं, क्या आजकल के हीरो या सलमान खान या जो भी है, क्या उनके सामने पानी भरेंगे। लेकिन इन लोगों ने एक गैंग बना दिया कि किसी और को आने नहीं दो, जो जो हमारी बात मानेगा, जो हमारे टर्म्स कंडीशन पर काम करेगा वही आगे बढ़ सकता है, जो उनका ब्लू वाइट बॉय बन जाए या गर्ल बन जाए, दैट्स ऑल। तो ये अगर उनके तब तक चलता है, अगर किसी की किसी एक्टर की बेटी है उसको आपको ज़बरदस्ती देखना ही पड़ेगा, यू नो, उनको वो पिक्चर मिल जाती है उनको आपको देखना ही पड़ेगा। अरे भैया नया टैलेंट लाओ ना आगे, आप उनके अंदर जो जिनके अंदर टैलेंट नहीं उनको आप भरते हो, जो आपकी बात नहीं मानेंगे उनको आप आगे नहीं जाने देते हो। कितने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, सुशांत के बारे में आप सब लोगों ने देखा है, नेट में सब जगह चल रहा है, उनको इतनी अच्छी अच्छी मूवी मिली हुई थी, कितनी अच्छी एक्टिंग वो करते थे, कितना अच्छा प्रोफेशन था उनका, ही वॉज लिविंग लाइक अ यू नो किंग इन हिज ओन लाइफ। नोबडी कैन बिलीव दैट ही हैज़ कमिटेड सुसाइड, इट इज़ नॉट अ सुसाइड एट ऑल। आप बताइए जो आदमी जिसको सुसाइड करना हो वो इतना हर चीज़ों में इंटरेस्ट लेके करता है, ही हैड अ डॉग, ही हैड सच अ लवली लाइफ, सो नोबडी बिलीव दैट ही हैज़ डन समथिंग, ही कैन डू समथिंग लाइक दिस। सो इट इज़ क्लियर कट देर इज़ समथिंग विच ऑल ऑफ अस वी फील दैट CBI इंक्वायरी शुड बी डन इन दिस रिगार्ड एंड we should all go into the deep of this matter. Today only I was reading some news that there is some police this thing was there, press meet was there, that they are announcing something, but I'm sure there is something, you know, everybody is talking inside, everybody is talking nahi nahi yaar aisa nahi ho sakta, aisa nahi ho sakta, because asliyat wahi hai, asliyat wahi hai, unko buri tarah daba diya gaya, it is very very bad। एंड अभी के लिए नहीं, अब आगे आप एक्टर्स आप देखिए ना आगे क्या होगा, कौन कौन आना चाहेगा उसमें, कि उनको पता है भैया पैसा लगाने के लिए है तो करेंगे, अगर हम किसी के ब्लू आइड बॉय हैं जो कह रहा है वो कर लें तो ठीक है, सब आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं। मैम दिव्या भारती आप सबको पता होगा कितनी अच्छी एक्टिंग थी उनकी, और उनकी मौत हो जाती है और उसके बाद में मीडिया में खबरें आती हैं चलती रहती हैं और उसके बाद कुछ नहीं होता, कुछ पता नहीं चलता। आज अगर हम देखें तो वैसा ही है, सुशांत के लिए भी लोग वैसी ही मांग कर रहे हैं और उनके फ़ैन फॉलोइंग्स अगर देखें तो बहुत है। किसी अगर सुपरस्टार अगर हम कहेंगे तो वो सुशांत थे ऑलरेडी, उनको अब किसी को या कोई कहे कि वो अच्छे थे या मैं नहीं जानता तो वो कहना बहुत गलत होगा, क्योंकि सब उनको जानते हैं। अगर किसी बच्चे से भी पूछेंगे तो अगर आप धोनी को जानते हैं तो वो सबसे पहले अगर महेंद्र सिंह धोनी का नाम लेंगे उसके बाद वो सुशांत का ज़रूर लेंगे, क्योंकि वो मूवी सबने देखी है। और उसके बाद उनकी एक्टिंग बहुत सारी ऐसी मूवी है, छिछोरी थी कितनी अच्छी मूवी थी, और वो लाइफ में कैसे हम जिए वही सिखाने वाली मूवी, और अचानक से उनकी मौत हो जाती है। तो क्या दिव्या भारती को अगर इंसाफ नहीं मिला, इनको इंसाफ मिल पाएगा? देखिए मैम, ये जैसे अभी कहते हैं ना, अभी कहते हैं मुद्दा गर्म है तो लोग अगर पूछ रहे हैं, सब लोग डिमांड कर रहे हैं, बल्कि मैं तो कहती हूँ ये यही समय है कि पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को, जो इन चीज़ों से ग्रसित हैं, जिनको ये सब फेस करना पड़ रहा है, दे शुड ऑल कम टुगेदर एंड सपोर्ट कंगना रनौत लाइक एनीथिंग, यू नो, दे शुड स्टैंड विद हर लाइक इन ऑल थिंग्स एंड थिंग्स, so that you know what she is having guts to do, at least she should have a feeling ki they are people with me, aur lekin face sab karte hain lekin apna you know kaun jaake mol le। Vidya Bharati mar gayi, aap dekhiye in is desh mein bahut sari aisi maut hui hain jo chupchap shant kar diya jata hai mamla, kyunki log thande pad gaye, to abhi logon ko ek aur mudda mil jayega to bas ye baat khatam ho jayegi। Vidya Bharati ki aise hi death ho gayi, everybody cried about it, are itni achhi ladki itni young age mein ye ho gaya, bas kisi ko bhi ho to upar se gir gayi ya drugs ka bol diya ya suicide kar liya, are aisa nahi hota hai, jo aadmi itna vibrant hai itna lively hai, vidya uske sath kya problem thi, she was having such good roles, very good movies all, and it and in such a young age she had, you know, she had done movies with such great stars, so called great stars, now people are understanding them, you know what is actually पूरा वो बना गया। अब आप देखिए, मुझे तो ताज्जुब ये होता है, आप टीवी में देखिए अगर कार भी जो है ड्राइव करके दिखा रहे हैं तो वो भी शाहरुख खान दिखा रहे हैं, पर्दा गिरा के दिखा रहे हैं तो पर्दा भी शाहरुख खान बेच रहे हैं, यू नो, बिग बास्केट का सामान भी वो बेच रहे हैं, हर एक चीज़ के लिए उन्हीं को, अरे किसी चीज़ को कोई एक कॉमन चीज़ को आने दो ना सामने, हर चीज़ वो सब कुछ करने को तैयार है, बच्चे भी पढ़ा लेंगे, ड्राइविंग भी कर लेंगे, गाड़ियाँ भी दिखा देंगे, मार्केट का सामान भी ले आएंगे, ऐसा करें जैसे सबसे परफेक्ट यही है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, बी प्रैक्टिकल अबाउट इट। तो अभी ये सब चीज़ें छुपाई जाती हैं, हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें, जो भी सिस्टम के खिलाफ खड़ा हुआ, जिसने आवाज़ उठाई, उसका मुँह बंद। अभी खाली फिल्म इंडस्ट्री का छोड़िए, राजीव दीक्षित जो भारतीय भारत स्वाभिमान के उससे जुड़े हुए थे, वो उन्होंने बहुत सारी विदेशी कंपनियों की जड़ उखाड़ के रख दी, बाबा रामदेव जी और राजीव दीक्षित जी ने, आप जरा उनके सुनिए, हाँ वीडियोज़ हैं, आप देखिए और सुनिए उनके बारे में,
और ये बहुत क्लियर है कि उनको फूड पॉइजनिंग हो गई, वो इतना केयरफुल खाना खाते थे लेकिन उन्होंने एलोपैथी लेने से मना कर दिया, उनको 100% उनकी हत्या हुई है, उनकी भी हत्या हुई है। मैं कहती हूँ नॉट ओनली दिस, तो ऐसे बहुत सारे केसेस छुपाए जाते हैं। अब जो पावर में है, जो दबा गए, बड़े बड़े लोग हैं, दबा देते हैं, अब क्या कर सकते हो। लेकिन ये कि इस समय, ये समय ऐसा है कि हम सबको, इवन यू नो, अगर आप मूवी इंडस्ट्रीज में नहीं भी हैं, आप बॉलीवुड में इंडस्ट्री से कोई टाई अप नहीं भी है आपका, आप अपनी आवाज़ उठाइए, आप ट्विटर पे डालिए, आप हर तरह के प्लेटफॉर्म पे आप कोशिश कीजिए कि उसको, उस चीज़ को आप सामने लाएँ। और जब तक आप, जब अब कंगना अगर लड़ रही है तो उनके साथ सपोर्ट के लिए भी तो कोई चाहिए ना। अगर वो बेचारी पीछे देखेंगी कि कोई नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है साथ में, तो आदमी हिम्मत हार जाता है। बल्कि लेकिन मैं उस लेडी को सलाम करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ, जिस तरह के गट्स हैं उन्होंने, उन्होंने सारी सिस्टम को हिला दिया और कभी गिव अप नहीं किया। वैसे बिहार में अगर देखें तो सलमान खान के खिलाफ और बहुत सारे हैं जो उन्होंने, उनको बैन किया था, ऐसी भी कहानियां आ रही हैं कि सूरज पंचोली से उनका झगड़ा हुआ था जिसमें उसके बाद सलमान खान ने उन्हें बैन कर दिया, तमाम तरीके के इनका जो गिरोह, जैसे कि कंगना रनौत कहती हैं, वो सब के सब एक एक करके सारी मूवियाँ उनसे छीनी गई। जैसे छिछोरे के बाद उनके पास 7 मूवी थी, उसके बाद लगातार उनकी सारी मूवियाँ चली गई, यहाँ तक कि उनको इतना दबाने की कोशिश की गई कि उनकी जो मूवी ऑलरेडी हो चुकी थी वो पर्दे पे ना रिलीज़ करके वो छोटे प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ की जा रही थी। तो ये सारी चीज़ें की जा रही थी उनके साथ। और वहीं पर अगर मैम बात करें, एक सवाल मेरा है, जैसे हमने पहले देखा है कि बहुत सारी ऐसे रहस्यमय मौतें हुई हैं और उसके बाद कुछ भी, हाँ एक तरीके से, और उसके बाद कुछ पता नहीं चलता। श्रीदेवी की जब मौत हुई तो तमाम तरह की मीडिया ने भी स्टोरीज दिखाई बहुत, लेकिन उसके बाद सच सामने नहीं आया। और ऐसा होता है तो हमें इस समय, जैसे आपने कहा कि हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और कंगना रनौत के साथ खड़े रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो चीज़ें इस समय चल रही है, सुशांत सिंह ड्रग लेते थे और मेंटली अच्छे नहीं थे, बहुत परेशान रहते थे, सालों से वो डिप्रेशन में थे, तमाम तरह की कहानियाँ आ रही हैं। इसके पहले आपने देखा होगा प्रियंका चोपड़ा के बारे में यही सारी चीज़ें चलाई गई, लेकिन हम मानते हैं उनको कि उनके अंदर वो सहनशीलता थी और वो सर्वाइव कर गई और आज हम जानते हैं कि वो कहाँ हैं। कंगना रनौत के साथ भी यही हुआ था, उनके साथ भी यही दिखाने की गई कि वो मेंटली स्ट्रांग नहीं है, काला जादू, तमाम तरीके की चीज़ें दिखाई गई। तो आपको क्या लगता है, जो ये कहानियाँ महेश भट्ट ने सुनाई सबको, क्या ये सही है जो उन्होंने दिखाया कि एक साल से, और रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट की जो स्टोरी आ रही है कि रिया चक्रवर्ती ने सुनाई है और महेश भट्ट ने वो दुनिया के सामने रखी है। और ये सब जानते हैं, जो भी सुशांत को मिले होंगे, जिन्होंने भी उनकी मूवी देखी होंगी या उनको फॉलो करते होंगे, ट्विटर पे भी फॉलो करते होंगे, आप देखिए, ही वाज सच अ ब्रिलियंट मैन, ही यूज्ड टू टॉक अबाउट यू नो एस्ट्रोलॉजी एंड यू नो ही हैड अ बायनोकुलर टू सी और वॉट एवर यू कॉल इट, दूरबीन उनके पास थी, इतनी बढ़िया, जो आदमी इतने शौक वाला इंसान जो, और वाइब्रेंट रहने के लिए, ही हैड अ लव फॉर द डॉग, ऐसा आदमी कभी आत्महत्या नहीं कर सकता। और वो इतना सब को अचीव करने के बाद, अगर करना होता तो उनको कोई, अगर पता लगा उनको गलत उनका इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर उनको कोई मूवी नहीं मिली है, उनकी ज़िंदगी ख़राब हो गई, तो अलग बात है। इट्स सच अ सुपर हीरो, यू नो ही वॉज सो गुड एंड उन्होंने ऐसा किया। बाद में आराम से महेश भट्टी जी ने बड़े आराम से कह दिया कि हाँ, और उन्होंने वो कहते हैं कि हमने, मैंने तो पहले ही बोला था कि उनको पहले लगता था कि ये सुसाइड करेगा, ऐसे कैसे आपको लगता था जी? और इतनी जल्दी क्या थी? हाँ, इतनी जल्दी क्या थी कि एकदम से, वो सुबह उन्होंने जूस पिया है, कुत्ते के साथ सुबह घूमे हैं, ऐसे कोई कर सकता है क्या? ये डेफिनेटली मैम जरूर कुछ था जो हम सबसे, सबकी आंखों से परे है और जिसके बारे में जो है इंक्वायरी, सीबीआई इंक्वायरी ज़रूर और ज़रूर होनी चाहिए। एक चीज़ और मैं आपसे बोलना चाहूँगी, जो आप हम बता रहे थे कि मूवीज़ के बारे में, जिस तरह की मूवीज़ बनती हैं, आप मुझे बताइए, क्या हमारे देश में, क्या हमारे भारतवर्ष में, क्या हमारे विशाल महान पुराने देश जो हमारा साम्राज्य था, उसमें क्या कोई महान राजा नहीं हुए, महाराणा प्रताप नहीं हुए, राणा सांगा नहीं हुए? कितने लोग हैं जिनके ऊपर मूवी नहीं बन सकती? टीपू सुल्तान पे बनेंगी और हर जगह जो, हाँ यू नो मुग़ल उनको ही बस ग्लोरीफाइड दिखाया जाता है। हाँ, उर्दू के लिए ठीक है, आप उर्दू एक अच्छी लैंग्वेज है, आप उसको समझा, ठीक है बताइए, लेकिन हर जगह ग्लोरीफाई करके आपको उनको क्यों दिखाना है? आपको अपने देश के जो पुराने हमारे राजा थे, आप अपने, हमारे मंदिर देख के आइए, आप
आजकल हम बस ताजमहल की बात करते हैं, ताजमहल इंडिया ताजमहल से जाना जाता है। अरे जाइए देख के आइए मंदिर, आप देखते रह जाएंगे कि ये बना कैसे होगा। आजकल लेज़र टेक्नोलॉजी से भी वो चीज़ आप बना नहीं सकते जो उस समय की बनी हुई है। उस कितने अचंभे हैं हमारे, अगर देखा जाए तो 7 वंडर्स छोड़िए, हमारे देश अपने देश में ही हमारे पास हज़ारों वंडर्स दिख जाएंगे जो आपको समझ में नहीं आएगा कि हुआ कैसे, बना कैसे है ये। और लोग आते हैं, फॉरनर्स आते हैं, वो डीप जाके देख के आते हैं। हमारे इंडिया में ये बहुत बड़ी कमी है कि हमारे देश के बच्चे अपने देश की सभ्यता को जानना नहीं चाहते, अपने देश की कलाकृतियों को देखना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते। आप डीप में जाके आप देखिए, कहीं कोने में जाके आपको फॉरनर्स मिल जाएंगे कोई पढ़े हुए, आज हम ये देखने आए हैं, वो 3-3, 4-4 दिन उसका स्टडी करते हैं। हम लोगों में वो नहीं है। अपने देश को जानो, अपने देश को समझो, देखो आपके देश की विरासत क्या है। तो वो अब हम इस पे आए कि भाई मूवी इंडस्ट्रीज़ में ये क्यों हो रहा है। अभी आप देखिए टीपू सुल्तान रिलीज़ हो रही है, क्यों जी हम हर एक उन्हीं को क्यों ग्लोरीफाई करते जा रहे हैं। आप बनाइए, मैं कहती हूँ आई विल बुक माय यू नो फुल थिएटर इफ़ ही मेक्स अ मूवी लाइक दैट, यू नो कि हमारे महाराणा प्रताप के ऊपर मूवी बनाए, चाणक्य के ऊपर मूवी बनाए। क्यों सीरियल बना के छोड़ देते हैं, क्यों सामने नहीं आते हैं, क्यों उसमें आपको पैसा नहीं मिलेगा क्या? लेकिन एक उसके पीछे भी एजेंडा है जो बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं, पर आज से नहीं, ये बहुत समय से चल रहा है। और ये वही गैंग है, ये वही गैंग है, और ये डायरेक्ट नहीं है, ये कहीं हाँ डी गैंग के इशारे पे चलता है। बहुत बड़ी चाल है इसमें कि इस देश के लोगों को धीरे धीरे, आप गाना देखिए किसी भी मूवी में हर जगह, अब ठीक है मैं ये नहीं कहती हूँ कि भगवान का नाम नहीं लेते हो आप, ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर चीज़ को आप इतना ज़्यादा एम्फेसिस करते हो कि अपने देश का कल्चर ही भूल जाते हो, अपने देश के राजा महाराजाओं को भूल जाते हो। अरे उनको भी याद करो तो हम पूरा हॉल बुक करके आपको हिट करेंगे, करो तो सही, वो नहीं करते। लास्ट सवाल, सुशांत की मौत पर आप क्या कहना चाहेंगे जनता को कि इस वक्त क्या करना चाहिए हमें कि ताकि CBI जांच हो और ताकि सच सामने आए, क्योंकि हमने इससे पहले बहुत सारी मौतें देख ली और हमें सच नहीं मिला देखने को, इस वक्त आप क्या कहें? मैं यही कहूँगी कि उस बात को समझिए, उनके बारे में स्टडी कीजिए और देखिए, पढ़िए और खड़े रहिए, जो उनके उस विषय के ऊपर कुछ कर रहे हैं उनके साथ खड़े रहिए, ट्वीट कीजिए। आजकल ट्वीट सबसे अच्छा मीडियम है, आप ट्वीट कीजिए, आप चैनल्स में डालिए, आपके बारे में बातचीत कीजिए, और जो जो उसके लिए खड़ा हो रहा है उसका साथ तो दीजिए कम से कम। और मैं कहती हूँ हर एक को एक CBI डिमांड की, एक CBI इंक्वायरी की एक ज़रूर डिमांड करनी चाहिए कि इसमें होना चाहिए। और नए एक्टर्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी भी चीज़ के लिए इतना मत वो हो जाइए इन्वॉल्व कि अगर अपने दम पे खड़े हुई है ना, कंगना रनौत को देखिए, वो लेडी कहाँ से कहाँ अपने दम पे खड़ी है। आज चीज़ें डायरेक्टर खुलेआम कहती है कि तुम लोग मुझे क्या प्रमोट करोगे, आज वो इस प्लेटफॉर्म पे नहीं है, वो कहती है तुम मुझे क्या प्रमोट करोगे, उनको किस तरह से तंग किया गया है। बट आई रियली सल्यूट हर एंड वी मस्ट ऑल सपोर्ट एंड डू नॉट फॉरगेट सुशांत डेथ, एक्चुअली मर्डर।